कटक स्थित गोपबंधु भवन समाज कार्यालय परिसर रे बुधवार संध्यारे उत्कलमणि 94वें श्रद्धांजलि सभा लोकसेवक मंडल ओडिशा शाखा अध्यक्ष तथा समाज प्रकाशक और मुद्राकार निरंजन रथों अध्यक्षतारे अनुष्ठित हो जाए। मुख्य अतिथि भावे कटक महानगर निगम मेयर सुभाष चंद्र सिंह एग देते से प्रतिक्रिय कटक को कर्मक्षेत्र भाव गढ़ी उत्कलमणि नीति और आदर्श सर्वदा अनुप्राणित हो कार्य द्वारा प्रतिष्ठित समाज एक खबर कागज नुहे यह एक आंदोलन परिणत हो कौन दुर्घटना कि प्राकृतिक विपर्यय घटिले प्रशासन पहुंचा पूर्व प्रथम समाज लोक निकट में पहुंची थाए जहाँ एवं भी गोपबंधु आदर्श परिचालित हो एक रे वन विद्यालय ओडिया विश्वविद्यालय व्ययबराद ही काम युद्धकालीन चली यहाँ खूब शीघ्र तीन चार वर्ष भितर काम कम्प्लीट हे गोटे ओडिया विश्वविद्यालय पुणी कौटी वन विद्यालय आ पंडित गोपबंधु दास स्मृति यहाँ आम भविष्य पीढ़ीपाई आउ एक रास्ता देख नुआ प्रेरणा देख त्याग आउ सबुठ तलस्त लोकों पर लड़ा ये देश को स्वाधीनता करवा ये राज्य को नुआ परिचय देवे जो अबलिष्ट अवदान नुआ पीढ़ी को आहरी एक उन्मादना आत्मविश्वास बढ़े साज्य कर गणमाध्यम संस्था और कर्मकर्ता माने विभिन्न समय चापरे रही था एक विरल अनुष्ठान जहाँ कौन परिस्थिति चापर वशवर्ती न हो जनतार स्वर को सामना को आनी थाए राज्यर प्रति उन्नतिमूलक कार्य समाज प्रमुख भूमिका ग्रहण करी लोकों स्वर को अधिक शाणित करने लगी समाज वैद्युतिक गणमाध्यम भाव आसवा दरकार मेयर श्री सिंह मतव्यक्त करते मुख्य वक्ता भाव अध्यापक विश्वरंजन कहते गोपबंधु आउ व्यक्ति होना से चलचंचल प्राण सत्ता और भल स्वप्न पलटि प्रतिमूर्ति माल्यार्पण कर आम जदि अटकी जाऊ आम श्रद्धाजलि संपूर्ण हेब ना मूर्ति को भेद करि आमे तांकर मर्म को स्पर्श करिबा आवश्यक बोली से कहिचंती। समग्र विश्व जनिन चिंताधारा गोपबंधु प्रत्येक लेखा तांकर भाषण तांकर आचरण रे प्रतिफलित होतिला एवं से कहुतिले निज सुख लागि जात नुहे हिंदू प्रति हिंदू रक्त विश्व हिते प्रति हिंदू रक्त बिंदु तेणु समग्र विश्वर भावना तांकर जनजीवन को प्रभावित करितला एवं एभली श्रेणी व्यक्ति थिले से सामान्य दुख कारण देखिले कांति पकाउथिले आपण ता कोन कहि परंती ता भितरे ता से पुरुष भितरे नारी सुगर भाव थिला एवं प्रत्येक पुरुष भितरे जदि नारी भावटी रहिबो तेबे से पुरुष निश्चित भावरे जने सार्थक समाजसेवी हे परिबो एक प्रत्येक व्यक्ति भितरे कविता लेखिले कवि नुह से तो कविता लिखिथिले किंतु तांको भितरे कवि भावटी थिला एवं तांको भितरे नारी भावटी थिला नारी भाव कौन नारी प्रत्येक नारी सार्थकता कौन माँ माँ से बाहा हो न हो पा जन्म तो करूँ मातृत्व गोटे भाव कवित्व गोटे भाव तेणु मुँ गोपबंधु जाने गोपबंधु मातृत्व भाव में कवित्वर भाव में जहाँफर तर सामाजिक जीवन राजनैतिक जीवन साहित्य शिक्षा सबुगुड़िक दुईट भाव द्वारा प्रतिफलित प्रभावित होता कवि भाव मातृभाव मातृभाव कौन ना से समस्त आपणार करें तार कई निजपर ना कवि भाव कौन ना से समस्त आपणी तेणु गोपबंधु को मुझे जाने जन विश्व प्रेमिक जन कवि एवं विश्व जननी। यह कार्यक्रम लोकसेवक मंडल राष्ट्रीय संपादक डॉक्टर प्रभास चंद्र आचार्य कार्यक्रम संयोजना करने अतिथि परिचय स्वागत भाषण प्रदान करते समाज संपादक कानन बिहारी दास उत्कलमणि को श्रद्धांजलि अर्पण करी आजिकाली गणमाध्यम संस्था आर्थिक दुर्दिन रे रहितबा कथा कहितिले समस्त ये पुण्य कारण गोपबंधु जड़े मनुष्य थिले बोली गांधी को परे आउ विश्वासी होनि कहार आउ तांकर उदाहरण द्वितीय उदाहरण ए जाय मध्ये सृष्टि हे नाही आउ जने ओडिया समिति हब ए आशा भी दुरंत जना पड़ी समाज कागज तर मानसिकता प्रतिष्ठा करते सत्यवादी से प्रतिष्ठा करते बहुत गोपबंधु दरिद्र नारायण सेवा संस्था से प्रतिष्ठा करते खदी अनुष्ठान से प्रतिष्ठा करते बहु विभाग मनीषर से सत्यवादी वन विद्यालय करते
ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ମାନବିକତାର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଦେବାର ନୂଆ ତରିକା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଯାଏଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପିଗଲା, ସାରା ଭାରତ ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଭବନ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟନା ଗଛ ତଳେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଦୋହମଲା କଠପଳ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇ ଏ ଏସ୍ ଟପର ହୋଇକି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଛଅ ମାସ ପରେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦପ୍ତରୀ ପିଅନ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ନାଁ କରିଛି ଓ ସେ ଲାଭ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ସେ ସ୍ମରଣରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜନତାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେବକ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ଭାବରେ ବଳ ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଯେ ସମାଜ କାଗଜକୁ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାର କାଗଜ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଋଣୀ ରହୁଛୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବଗିଚାର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅମାର ଆମେ ହେଉଛୁ ହଳିଆ କୋଠିଆ। ସମାଜର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶିବରାମ ମିଶ୍ର ସମାଜର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମାଜର ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିତର୍କ ଓ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ଜିତ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତନ୍ମୟ ମହାଲିକ ଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଜ ଲାଇଭ।